सो गाइस, आईपीएल 2022 के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने रिटेन्ड प्लेयर लिस्ट अनाउंस कर दी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरसीबी लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने किन खिलाड़ी को रिटेन किया है और किन खिलाड़ी को रिलीज कर दिया, तो वीडियो में बने रहे अंत तक। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जिन्होंने क्वालिफाई 2 तक का सफर तय किया 2022 आईपीएल में। इस टीम ने 4 खिलाड़ी को रिटेन कर लिया है, विराट कोहली, हर्षल पटेल, ग्लेन मैक्सवेल, हसरंगा, इन 4 खिलाड़ी को रिटेन किया है, जबकि कप्तान फैफ डुप्लेसी को इन्होंने रिलीज कर दिया है। वहीं प्लेऑफ्स में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले रजत पाटीदार और पूरे आईपीएल सीजन में बेहतरीन फिनिशर्स का रोल अदा करने वाले दिनेश कार्तिक, वहीं बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले जोश हेजलवुड को इन्होंने इस टीम से रिलीज कर दिया है। कुल मिलाकर इनके पास कहीं ना कहीं मौका रहेगा मिनी ऑक्शन में कि इन चारों ही खिलाड़ियों को फिर से टारगेट करके टीम में लेकर आए और फिर से बेहतरीन आईपीएल 2023 के लिए टीम बनाकर एक बार फिर से चैंपियन बनने का मौका रहेगा इनके पास। तो गाइस, अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जॉइंट्स की, जिन्होंने आईपीएल में पहली बार खेलते हुए एलिमिनेटर तक अपना सफर तय किया। कुल मिलाकर एलिमिनेटर मुकाबले में इनको आरसीबी ने टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें वायरल हो रही है कि केएल राहुल को इस टीम से रिलीज कर दिया गया। आपके अकॉर्डिंग क्या केएल राहुल को लखनऊ सुपर जॉइंट्स द्वारा रिलीज करना चाहिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताए। वहीं बात करें इन्होंने केएल राहुल, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की पूरे सीजन में, वहीं क्विंटन डी को, इन 4 खिलाड़ियों को टीम ने रिटेन कर लिया है। वहीं मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, आवेश खान, दुष्मंता चमीरा, एवन लेविस, इन बड़े खिलाड़ियों को टीम ने रिलीज कर दिया है। कुल मिलाकर इनके पास कहीं ना कहीं मिनी ऑक्शन में फिर से मौका रहेगा कि इन खिलाड़ियों को अच्छे से टारगेट करके फिर से टीम में शामिल किया जाए। आपके अकॉर्डिंग दोनों ही टीमों की कौन सी होगी रिटेन प्लेयर लिस्ट, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट।